खड़े हो। हाँ मेरा एक्सीडेंट हो गया अर्चना जी, मेरी खबर लेने के लिए आ जाए। फ्रूट चाहे ना लेकर आए, आप वैसे आ जाए, लेकिन हमारे फ्रूट ना लेकर जाए। कपूर शर्मा मुझे बचा लो। क्या हुआ तुम्हें? क्या हुआ? इतना शोर क्यों मचा रहे हो तुम? कपूर शर्मा, इसने तुम्हारे दोस्त पे गाड़ी चढ़ा दी। तुझे गाड़ी चलानी आती? ये बच कैसे गया? भाई साहब, मैंने ना मैंने बहुत जोर से इसके कान में हॉर्न मारा था, ये हटा ही नहीं गाड़ी के सामने से। वो तो मैं हेडफोन में गाने सुन रहा था। हेडफोन तेरे पास कहाँ से आए? हेडफोन मैंने भी नहीं देखे। हेडफोन नहीं देखे? तूने अंधेरी मार्केट जा, अलग अलग तरह के मिलते हैं। पागल आदमी का हेडफोन नहीं? वैसे हेडफोन मैंने बड़े देखे अंधेरी मार्केट वाले, लेकिन इसके कान में उस वक्त कोई हेडफोन नहीं था। अच्छा, जो छोटे से हेडफोन मैंने नहीं लगाए वो तुम्हें नजर आ गए, इतना बड़ा आदमी तुम्हें नजर नहीं आया? एक मिनट, बड़ा आदमी कौन बे? बड़ा आदमी कब से हो गया तू? खरबूजा मार गा ना, तेरा तरबूज जैसा मुंह तोड़ देना। कपूर शर्मा, जब कोई इंसान लड़ने के लिए आता है तो उसको लड़ने दिया करो, बीच में टोका टोकी मत किया करो। तुम इधर बताओ, इधर इधर। और तुमने गाड़ी कैसे चढ़ाई मुझे पे, ये बताओ पहले। यार मैंने ब्रेक मारी तो थी। अच्छा, एक गाड़ी मारी दूसरी ब्रेक मारी, कपूर दो दो केस। कपूर कौन से दो दो केस यार? कोई केस वेस नहीं, गलती तुम्हारी है यार। इसने पता इसने क्या किया, इसने ऐसे लेफ्ट से हाथ दिया और राइट में जाके साइकिल मोड़ दी इसने। अच्छा, जो मैंने लेफ्ट में हाथ दिया वो तुमने देख लिया, जो बाद में मैंने कैंसिल किया वो नजर नहीं आया। कैंसिल किया था? हाँ। फिर मैंने भी ऐसे ऐसे कैंसिल किया था कि अब कुछ नहीं हो सकता, वो नहीं दिखा। अच्छा, बाद में मैंने भी ऐसे किया था, मैं इधर को ही जाऊंगा, वो तुम्हें नजर नहीं आया। तुम लोगों को शर्म नहीं आती भाई? सड़क पर गंदे गंदे इशारे करते तुम लोग। एक मिनट भाई साहब, एक मिनट। तेरे को शर्म नहीं आती? वो बच्चों जैसे कर रहा है। कौन बच्चा करके रोता है? ये कैसे रो रहा है तू? जरा सी खरोंच आई तेरे को। प्लान है, प्लान समझा करो। वो अमीर आदमी है, मिलजुल कर लूटेंगे। अच्छा, लूट रहे हैं? आधे तुम्हारे आधे मेरे। मौके का फायदा? यस, जैसे अर्चना ने सिद्धू जी का वैसे। हे कुल देवी, हमें आशीर्वाद दो ताकि हम अपने काम में कामयाब हो सके। मेरा दोस्त अब किसको मुंह दिखाएगा? यार मैं जुआ खेलता हुआ पकड़ा थोड़ी गया हूँ, एक्सीडेंट हुआ है मेरा। हाय, मेरी दोस्त की शक्ल ही देखो, मुंह तिरछा कर दिया उसका। हाय, उसका मुंह भी घुटने जैसा कर दिया। हाय, बेड़ा ही कर दिया उसका। पैसे निकालो। कपूर शर्मा, मैं बच तो जाऊंगा। नहीं नहीं, तुम नहीं बचोगे, तुम मर जाओगे। ऊपर वाले को याद करो, तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। भाई साहब, ये ना बहुत ज्यादा हो रहा है, हल्की सी चोट है ये। हल्की सी चोट आई तो एक बार और गाड़ी चढ़ा दो, पैसे हम पूरे लेंगे। हमें नहीं पता। कैसी बातें कर रहे हैं आप? इसकी गलती थी, ये रॉन्ग साइड पे था। कोई भी साइड राइट या रॉन्ग नहीं होती साहब, ऊपर वाले ने एक ही साइड बनाई थी। तुम जैसे लोगों ने पहले धर्म के नाम पे इंसानों को बांटा, अब इंसान के नाम पे सड़क बांट रहा है। बता बता, तू पैसे निकाल। समझ नहीं रहा बात, ये गलत रास्ते पे था इसलिए एक्सीडेंट हुआ है। अच्छा, इसका मतलब फिल्म संजू में संजय दत्त गलत रास्ते पे था तो उस पे गाड़ी चढ़ा लोगे तुम? बताओ, चुप क्यों? कैसे निकाल? भाई साहब, मैं बता रहा हूँ इसको ना, हुआ कुछ नहीं है, ये एक्टिंग कर रहा है ये। मैं बचपन से जानता हूँ उसको, एक्टिंग कर रहा है वो। जो चीज उसने आज तक नहीं की आज कैसे करेगा? मैं नेचुरल करता हूँ, बिल्कुल जैसे नसीर साहब करते हैं वैसे करता हूँ, तो इसलिए नहीं पता चलता। ये बहुत ज्यादा हो रहा है। मेरे को भी लग रहा है बहुत ज्यादा हो रहा है। तो मेरी बात सुन यार, तुम दो दोस्तों के बीच में लड़ाई करा रहे हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? इधर मेरे को चोटें आई हुई हैं और तुम्हें अपने सूझ रहा है। कहाँ चोटें आई हुई हैं? गंभीर चोटें आई हुई हैं मुझे। कहाँ आई हुई हैं गंभीर चोटें? आए, 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 आए।
में गड्ढा कर दिया। पेट में गड्ढा कर दिया। ये गड्ढा नहीं है, इसको नाभि कहते हैं। नाभि नाभि भिन्ना नाभि भिन्ना, तू पराए मर्दों की नाभियां देखता तेरे को शर्म नहीं आती? तेरे बाप भाई की नाभि नहीं है? कितने जोर से गाड़ी मारी, उसकी पैंट छोटी हो गई। पैसे निकाल। नहीं मैं वैसे नहीं देख रहा, मैं चेक कर रहा था ये गड्ढा, ये इसकी तो ना भी, ये तो सबके होता है ना, मेरे भी है आपके भी है। लेकिन इसके नहीं था। इन्होंने मेहनत करके ये गड्ढा भर लिया था, तूने फिर गाड़ी मार के उसका कर दिया। मेहनत मजदूरी की उसने सारा खराब कर दिया काम उसका। मेहनत मजदूरी करके पेट भरते हैं, ना भी नहीं भरते। हमारी इनकम उतनी थी इसलिए सिर्फ ना भी भर सकते थे हम। हाँ अर्चना जी देख लो, हम ही रात में गोडाउन भर लेते हैं, कोई कुछ नहीं बोलता। गरीब आदमी ना भी भरे, लोग गाड़ियां चला देते हैं। नहीं, मतलब मैं कसम से, भगवान कसम, मुझे समझ नहीं आ रहा ये कहाँ, यहाँ किस तरह की बातें हो रही है, क्या हो रही है, मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ। ये कपिल शर्मा शो नहीं देखा कभी? नहीं, हम वीकेंड पे बाहर घूमने जाते हैं ना। ओए इधर, मैं मेहनत करता मर जाता हूँ। मैं हम मेहनत करते मर जाते हैं। हम मेहनत करते इधर मर जाते हैं और शो बनाते हैं, तुम वीकेंड पे बाहर चले जाते हो। उसके माने पपीता मारू उसका मुंह में। नहीं नहीं, मैं पहले शो देख के आ जाता हूँ फिर आता हूँ। कैसे कैसे, पहले बनने तो दे, कच्चा ही देख लेगा तू। इधर खड़े रहो, पपीता रख दो इंस्टॉलमेंट पे है। हाँ जल्दी भी इसके, जो गाड़ी चढ़ाई हर जाना ला, नहीं तो मैं मिलिट्री बुला लूंगा। मिलिट्री? हाँ वैसे पुलिस बुलाते हैं जनरली। पुलिस से इसकी बनती नहीं, इसको दो थप्पड़ मार के अंदर कर देते वो। अरे बेचारे को लवारिस कर दिया उसको। लवारिस कहाँ से कर दिया, मैंने इस पे गाड़ी चढ़ाई, इसके बाप पे थोड़ी चढ़ाई है। हाँ तो इसके 11 बच्चे थे बेचारे, इकलौता बाप था उनका, है बेचारे लवारिस हो गए वो। 11 बच्चे? हाँ लो लो मेरे, आप 11 बोल रहे हो, ये एक मानने को तैयार नहीं है। ओ माय गॉड, इसकी यादाश्त चली गई। ओ हो हो, यादाश्त चली गई, बैठ जाओ बैठ जाओ, यादाश्त चली गई। ऐसे कैसे यादाश्त चली गई, मैंने तो घुटने पे गाड़ी चढ़ाई इसके। हाँ तो जहाँ जिसका दिमाग है उधर से यादाश्त जाएगी उसकी। हाय मेरे भाई पे गाड़ी चढ़ा के उसकी वायरिंग खराब कर दी। भाई साहब देखो एक मिनट, ऐसे क्या अब जो हो गया वो तो नहीं बदला जा सकता। हाँ। क्यों नहीं बदला जा सकता है? इधर बड़े बड़े मंत्री बदल गए, क्यों नहीं बदला जा सकता बे? बदला नहीं जा सकता। अब नहीं बदलेगा, अब नहीं बदलेगा। ऐसा करते हैं ना, कुछ ले दे के मामला सेटल कर लेते हैं। कुछ ले दे के मामला सेटल कर ले, इतने गिरे हुए समझा में। हाँ क्या बात है, क्या पार्किंग नजर है आपकी। हम गिरे हुए हैं। गिरे हुए हैं, बहुत ज्यादा गिरे हुए हैं। 5 लाख रुपया लगेगा आपका। पांच किस बात का? अबे इतनी गंभीर चोटें हैं इसको। 5 लाख नहीं, मैं 20,000 से ज्यादा नहीं दूंगा इसका। तू मजाक कर रहा है? फटाफट से तुम मिलिट्री को बुलाओ, उनको बोलो अपनी पनडुब्बी लेकर आ जाए। ठीक है, ये पनडुब्बी में कौन सी मिलिट्री आ रही है? बोला ना उसका दिमाग खराब हो गया, वहां पे चोट लगी, याद आ चली गई, उसको नहीं पता है। तुम ऐसे नहीं मानोगे। हेलो मिलिट्री? नहीं नहीं मिलिट्री नहीं, बम लेके। भाई साहब रुको, सुनो सुनो, इतनी बात मत बढ़ाओ ना, मैं दे रहा हूँ, मैं कैश नहीं, मैं चेक दे देता हूँ, मैं पैसे दे देता हूँ। मैं हाय हाय हाय। अरे कप्पू मेरे को पता चला कि चंदू का एक्सीडेंट हो गया। हाँ। मेरे को ना बहुत घबराहट हो रही है कि कहीं वो बच ना गया हो। ओ सपना ये तो ठीक है, अभी तो इसकी याददाश्त गई हुई थी। हाँ तो याददाश्त में था भी क्या, 4 जुराबें और 1 कच्छा। इसको कौन सा न्यूक्लियर का कोड मालूम था? याददाश्त। ओए एक मिनट मेरी बात सुनो सपना, जुराबे चाहे 4 थे लेकिन अंडरवर मेरे पास 2 थे। इसको काउंटिंग याद है पूरी, इसको कलर भी याद होगा, इसको तो सब याद है। तो कमर से नीचे नीचे वाला याद है ना, कमर से ऊपर वाली याद है चली गई। भाई साहब ऐसा है,
इसकी जहां की भी गई है ना याददाश्त, वो लानी तो पड़ेगी वापस। इसके बेचारे के 11 बच्चे हैं, उनको संभालना है इसने। क्या बकवास कर रहे ले यार, उसकी तो शादी भी नहीं हुई तो 11 बच्चे का चाय पत्ती के कूपन में निकले क्या? क्या बकवास कर रहे ले कि शादी नहीं हुई इसकी? नहीं, क्यों क्यों नहीं हुई है? कौन कहता नहीं, इसी के साथ तो हुई है। मेरे से ये क्या? इसी के साथ हुई है। कमाल है, मैं इसकी बीवी और मेरे को मालूम तक नहीं है। मैं तेरी बीवी? हाँ जी, ये मेरी बीवी है, पहले बॉक्सर थी ये। पति को चोट लगी, पत्नी की याद हॉस्पिटल लगी, 2 लाख लगेगा। 2 लाख? मैं समझ रहा हूँ आप सब मिलके ना यहाँ पे मुझे पागल बना रहे हो। मुझे पहले ही शक हो रहा है, ये तो मुझे दोनों किसी एंगल से पति पत्नी लग नहीं रहे। ये है नहीं पति पत्नी, ये झूठे हैं। ये सपना, चुपचाप हमारे नाटक में शामिल हो जा, तेरे को पैसे मिलेंगे पत्नी बनके। अच्छा तो पैसा मिलेगा? हाँ मिलेगा, मिलेगा, चुप रहे। मैं तेरी पत्नी है समझा, तू मेरा पति है, मैं तेरी पत्नी है। मेरे सुहाग की रात खराब कर दी तूने, अब ये सोएगा कैसे? अभी ना 2 मिनट पहले इसको कुछ याद नहीं था कि ये इसका पति है, अभी इसके पत्नी वाले सारे इमोशन इकट्ठे बाहर आ गए। गरीब औरत का ना बहुत जिम्मेदारियां होती है। अरे ये तो कुछ भी नहीं है, अभी तो पति भूल रही थी, कल तो चाबी रख के भूल गई थी। हैं? ये मतलब ये पति है, चाबी का कम, पति और चाबी का क्या कंपैरिजन? चाबी खोल के घर के अंदर जा सकते हैं, पति खोल के अंदर जा सकते हैं? नहीं जा सकते। नहीं ना, तो फिर कैसी बहकी बहकी बातें कर रहे हो भाई साहब आप? लगता है मेरी भी याददाश्त चली गई। 3.25 लाख लगेंगे, 3.25 लगेंगे, लगेंगे। ये लग नहीं रहे पति पत्नी। कैसे नहीं लग रहे, कैसे नहीं लग रहे? आजा मैं तेरे को अपडेटेड वर्जन दिखाती आज की पत्नी का। देखा, मैं जिसकी पत्नी है, चल निकाल 5 लाख रुपया। अरे ऐसे कैसे 5 लाख? ऐसा तो कोई खास नुकसान नहीं हुआ ये। कौन बोलता है खास नुकसान नहीं हुआ? मालूम है वर्ल्ड कप का ओपनिंग यही करने वाला था। हाँ, तूने इसका टांग तोड़ दिया, अब इंडिया कैसे जीतेगा? देखो क्रिकेट के बारे में सब पता है, ये कहीं से कहीं तक नहीं है वर्ल्ड कप की टीम में। और मेरी वाइल्ड कार्ड एंट्री थी वहां पे। ऐसे वाइल्ड कार्ड एंट्री नहीं होती अचानक से, तेरी हुई ना इधर। किस्मत नाम की भी कोई चीज होती साहब, याददाश्त जा रही है, फिर चलेगी। कौन हूं मैं? किस्मत है किस्मत, कोई मेरे पति को बचा ले। अयो ये तो बचा ही हुआ है, ये कहां जा रहा है? मुझे बचा लो, मैं पत्थर होता जा रहा हूँ। अब पैसा तू दे वरना यही पत्थर उठा के तेरे सर पे मारेगी। मैं दे रहा हूँ, मैं ट्रांसफर कर देता हूँ अकाउंट नंबर। जिस मुंह से हमेशा जर्दा निकलता था आज और निकल रहा है। आज किसी और के लिए ओ निकल गया तो किसी को बड़ी जलन हो रही है। समोसा पाप चुरा के खाने वाली औरत। चलो वापिस जा, चंदू का एक्सीडेंट हुआ, बाद में आना, चलो चलो निकलो। ओह माय गॉड, चंदू का एक्सीडेंट, क्या हुआ चंदू? इसकी साइकिल मेरी गाड़ी के नीचे आ गई। ओए एक्सप्लेनेशन तो सही ढंग से दिया करो। और पता क्या है कि मैं अपनी 4-व्हीलर पे जा रहा था जो कि मेरा डेली का रूटीन है। 4-व्हीलर? उधर से साइकिल आ रही थी इसकी, ओ बीच में थोड़ा लग गया और मेरे को चोटी वोटी लग गई। साइकिल से कब से 4-व्हीलर वाले को चोट लगने लगी? तो इसका 4-व्हीलर देखा नहीं तो ऐसे ऐसे करके चलाता है जो। हाँ इसने इसने ब्रेक मारने की कोशिश की, इसने इसने ऐसे ब्रेक मारने की कोशिश की, इसकी सारी रेखाएं छिल गई। पता पंडित देख रहा था, कुछ बता नहीं पा रहा था, शादी वाली लकीर मिट गई, शादी नहीं हो रही इसकी। 5 लाख? बहुत दर्द हो रहा है बेबी। बेबी? आपके पति को आपके सामने बेबी बोल रही है, आपको कोई फर्क नहीं पड़ रहा? फर्क नहीं पड़ रहा, वो वैसी चाहे तेरी भी पत्नी रहेगी ना तो तेरे को छेड़ेगी। ये बढ़िया है, बोर्न एंड ब्रॉट अप बेशरम। एक्सक्यूज मी, माइंड योर ओन बिजनेस। ए हम लोग ना नाला सुपरिया ने समझी, हमारा बिजनेस दिल से रहता है, तुम लोग का माइंड से रहता है। चल भाग इधर से, बूंदी की रायती।
मेरा मतलब रायते की बूंदी। Shut up, you बूंदी की लड्डू। चंदू, मैं तो तुम्हें अपने साथ पार्टी में लेके जाने वाली थी एज माई पार्टनर। हाँ चलो चलो। ये तो बिल्कुल फिट है एकदम। ओए, तुम्हारी कंडीशन बहुत सीरियस है, आईसीयू में जाना पड़ेगा तुम्हें। यार इधर मेरा आई लव यू खड़ा है, तुम्हें आईसीयू की पड़ी है। भाई साहब, हम पे दुखों का पहाड़ टूटने वाला, पैसे दे दो जाओ, वो मरने वाला है। मैं फिर जा रही हूँ। मैं अभी आ रहा हूँ। ये देखो, ये कितना फिट है, ये हवा में उड़ रहा है। आपने कहावत नहीं सुनी वो कि दिया बुझने से पहले इंजॉय करता है? इंजॉय नहीं, वो फड़फड़ाता है। हमारा बंदा मर रहा है, हमारी कहावत ठीक करा रहा है तू। चलो बैठ, ठीक है तू, पैसे निकाल। चंदू, मैंने तो सोचा था कि आज हम पार्टी में बाहों में बाहें डाल के डांस करेंगे, एक दूसरे को करीब से जानने की कोशिश करेंगे। बुरी, तुम मुझे जान जा, पूरा जान जा, मैं तुम्हारे साथ डांस भी कर लूंगा बिल्कुल वैसे। चलो चलो। अभी इसके चोट लगी थी, अभी ये बढ़िया डांस कर रहा है। चोट तो लगी है लेकिन यादाश्त चलेगी ना, तो भूल गया कि चोट लगी है कि नहीं लगी है। तू जल्दी पैसे निकाला वरना मैं अभी गाली निकालेगी। पैसे निकाल। वहाँ पार्टी में हग्स एंड किसेस का कंपटीशन भी है और मैं हारना नहीं चाहती। कोई बात नहीं, मैं किसी और को पार्टनर बना लेती हूँ। हग्स एंड किसेस। बस 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 कप्पू बस, बहुत हो गया। अमीरों की गाड़ियों के आगे आकर पैसा कमाना। एक हग से जो बॉडी में झुंझुनाहट आती है, कागज के चंद टुकड़ों से नहीं आ सकती। झुंझुनाहट चाहिए ना तेरे को? तेरे झुंझुनाहट मैं देता हूँ तेरे को। झुंझुनाहट चाहिए ना तेरे को? आज तेरे को सजा मिलेगी इसकी। इश्क करना अगर खता है तो सजा दो मुझे, मैं अपने प्यार को और धोखा नहीं दे सकता हूँ। चलो बुरी, कहा चल। हाँ, तुमसे 5 रुपए का नोट तो चलता नहीं, भूरी को चलाने लगे तुम। जिसे तुम बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे हो वो मेरा कॉलेज का दोस्त है, उफ, मेरे पार्टी का पार्टनर। हग्स एंड किसेस, वेरी गुड। बुरी, बहुत अच्छा सबक सिखाया इसको। अच्छा, ये कल के लौंडे अब हमें सबक सिखाएंगे। साथियों याद है ना, छाती पे चढ़ के उछलना है। अर्चना जी, अगर आपको कोई कहे कि आपके घर में खुशखबरी आने वाली है, शर्मा क्यों गई आप? देखिए। चौंक गई हूँ क्योंकि परमीत उम्मीद से है, पता नहीं था। वैसे मैं आप सबको बता दूं कि खुशखबरी आने की कोई उम्र नहीं होती। हाँ। तो इसी बात पे बेस्ड थी एक फिल्म बधाई हो, और आज इस फिल्म की सक्सेस को हमारे साथ सेलिब्रेट करने आ रही है फिल्म की लीड कास्ट। सो प्लीज वेलकम वेरी टैलेंटेड एंड ग्रेसफुल नीना गुप्ता जी एंड वेरी टैलेंटेड एक्टर मिस्टर गजराज राव। नीना जी, आप बहुत खूबसूरत लग रही हैं। सबको आप यही कहते हैं? नहीं नहीं, नहीं पर व्हाइट कलर मेरा फेवरेट है और आप व्हाइट सूट में इतनी खूबसूरत लग रही हैं, इतनी प्यारी लग रही हैं। गजराज जी, आप तो मेरे जैसे ही लग रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका। प्लीज सर आइए, यहाँ पे विराजमान हो जाइए। जोरदार तालियां हो जाए हमारे मेहमानों के लिए। सबसे पहले तो आपको बधाई हो के लिए, बहुत बहुत बधाई हो। बहुत बधाई। इतनी जबरदस्त सुपर डुपर हिट फिल्म हुई है। अच्छा, जब से ये फिल्म इतनी सुपर डुपर हिट हुई है, आप तो फिल्में ही ले रहे होंगे। आज आप हमारे शो पहली बार आए, आप चाय कॉफी कुछ लेंगे? हम लोग इसे अनानास वगैरह से काम चला लेंगे। नहीं, ये तो सर हमने रखे, हम देते हैं किसी को।
थैंक यू सो मच. सीरियसली आप कुछ नहीं लेंगे मैम? मैं तो आज बड़ी खुश हूँ क्योंकि बधाइयों के बाद पहली बार आज मुझे जब मैं यहाँ सेट पे आई तो मुझे सिंगल वैन मिली, वैनिटी वैन. तो मतलब नीना मुझे याद है काफी साल पहले हम दोनों जब काम कर रहे थे मैंने तुम्हें डायरेक्ट भी किया था एक सीरियल में जाने भी दो पारो में हम दोनों ने काम किया था और मैं डायरेक्ट भी कर रही थी, एक्ट भी कर रही थी इनके साथ. एंड नीना तुमने मुझे बोला था यार अर्चना मैं ना इतना मतलब सक्सेसफुल होना चाहती हूँ कि मेरी जो गाड़ी हो ना जब मैं उसका दरवाजा बंद करूँ ना तो ढप जैसी आवाज या टंग आवाज ना हो और जब दूसरों की जो बढ़िया गाड़ियां उसमें ढप करके बंद होती थी तो नीना ने ये कहा था मुझे. आई रिमेम्बर. हाउ यू रिमेम्बर? माय गॉड यू डिजर्व एवरी सिंगल बिट ऑफ इट. थैंक यू सो मच. थैंक यू. मेरे पापा आपके बड़े फैन थे, वो हमेशा बोलते थे कहते बात है इनमें. मेरी मम्मी को कभी नहीं बोला, बड़ी चिढ़ती थी आपसे. नहीं ये जो फिल्म आपको ऑफर हुई मतलब ये बड़ी मजेदार सा एक प्लॉट है फिल्म का कि जिस उम्र के जिस पड़ाव में आपके पोता पोती होने चाहिए उसमें खुद माँ बाप बन रहे हैं. नहीं ये जब ये फिल्म आपको ऑफर हुई उस समय आपका क्या रिएक्शन था? आपको सुन के पहली लाइन में मजा तो आया होगा कि यार ये मतलब अलग सा आइडिया है. हाँ स्क्रिप्ट इतनी अच्छी थी जब उन्होंने नरेट की कि उसके बाद कुछ सोचने का सवाल ही नहीं पैदा होता था. मैंने एकदम से हाँ कह दी. बाद में सोचा है सारी पिक्चर में प्रेग्नेंट रहना पड़ेगा, गर्मियाँ हैं पेट बांध के रहना पड़ेगा बाद में, पर पहले तो एकदम से हाँ कर दी बिकॉज स्क्रिप्ट वॉज वेरी नाइस. सो ऐसा कुछ नहीं सोचा. इट्स अ ड्रीम रोल. इट्स अ ड्रीम रोल. इट्स अ ड्रीम फिल्म. ऐसी कभी एक ही बार बनती है ऐसी पिक्चर. सो आई एम वेरी हैप्पी कि ये जैसे जानवर भी त्यौहार हो एक बार बनती है, बधाई हो एक बार बनती है बस. क्या बात है. गजराज जी अपने वाइफ से डिस्कस किया था कि ऐसा रोल मुझे मिला है, मैं बाप बनने जा रहा हूँ दोबारा, भले फिल्म में बनने जा रहा हूँ. हाँ नहीं मैंने किया और मेरा तो पहला मकसद ही था कि ये फिल्म हो और उसके बाद हम कपिल शर्मा के शो में आएंगे. थैंक यू सर, मोस्ट वेलकम सर. और बहुत हमें खुशी हो रही है कि आप हमारे शो पे आए. तो सर आपकी वाइफ का क्या रिएक्शन था फिर? मैं थोड़ा सा कॉन्शियस था कि ये करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, तो उन्होंने बोला कि आप कौन से रणबीर सिंह रणबीर कपूर हो कि आपका करियर खराब हो जाएगा. कर लो. तो आप दोनों से फिल्म के जो हीरो हीरोइन है आयुष्मान और साना, उन्होंने नहीं कहा कि फिल्म में परफॉर्मेंस तो सारी आपकी है? नहीं, आयुष्मान कहता था हीरो तो आप लोग हैं, हम तो साइड रोल कर रहे हैं. मतलब पहले दिन से ही आयुष्मान ने इतना हौसला अफजाई की थी कि ये फिल्म गजराज जी आपकी जिंदगी पलटेगी और इस तरह की बातें करता था. हमें लगता कि नहीं है स्टार बंदा है और थोड़ा दिल रखने के लिए थोड़ा थोड़ा पंडित भी है ना वो. आयुष्मान के पापा एस्ट्रोलॉजर भी हैं, हो सकता है आयुष्मान में वो शक्तियां हो. इनफैक्ट इस फिल्म के लिए आयुष्मान ने मुझे रिकमेंड किया. अच्छा जी. हम लोगों ने एक टीवी और मुझे रिजेक्ट किया. क्यों हैं ऐसे? क्यों क्या हुआ कि मेरा नाम तब्बू के पास गए थे ये लोग. अच्छा जी. तो तब्बू ने कहा नहीं मैं मुझे मत लो, मैं सूट नहीं करती, नीना गुप्ता को ले लो. अच्छा जी. तो उन्होंने आके बताया आयुष्मान को अमित ने कि वो सजेस्ट कर रहे हैं कि नीना गुप्ता को ले लो. तो उसने आयुष्मान ने कहा नहीं नहीं शी इज टू हॉट, शी कांट लुक माय मदर. सो नहीं ले रहे थे. फिर उन्होंने किसी ने उनको बताया मेरी खुजली एक पिक्चर आई थी छोटी सी शॉर्ट फिल्म. अच्छा जी. तो जैकी श्रॉफ के साथ उन्होंने कहा वो देखो. फिर उन्होंने वो देखी और फिर उन्होंने मुझे लिया. ओके क्या बात. अच्छा गुजरात जी को देखो ना ऐसा लगता है किसी सरकारी बैंक में ना सीनियर कैशियर होंगे. मतलब सीरियसली अच्छा डिस्क्रिप्शन. मुझे ऐसे लगता है अभी दो मिनट बाद ना ये नोटबंदी की बातें शुरू कर देंगे. पर गजराज जी आपका कैसे आना हुआ फिल्मों में? मेरे फादर रेलवेज में थे. अच्छा. और उनको मैंने बहुत मेहनत करते हुए देखा था. अच्छा जी. परिवार को चलाने के लिए वो कई बार डबल ड्यूटी करते थे. तो वो चीजें मेरे दिमाग में बचपन से थी और वो पूरी तरह से एक रोबोट की तरह होते थे. तो वो एक कहीं पे दिमाग में था कि हाँ मुझे अपनी जिंदगी ऐसे नहीं गुजारनी है. और उन्होंने बड़ी कोशिश की कि मैं कहीं ना कहीं किसी सरकारी नौकरी में फिट हो जाऊं. अच्छा जी. लेकिन लकीली मैं थिएटर से मेरा एक रिश्ता जुड़ गया, देखा तो फिर ये दुनिया मुझे अच्छी लगी. वाह. तो मैंने कहा कि इधर ही आगे बढ़ना चाहिए. और लोग आपका काम भी इतना पसंद कर रहे हैं और बाकमाल एक्टर हैं आप. क्या बात. आपको पता है नीना जी गजराज जी ने एक जगह इंटरव्यू दिया और इन्होंने आपके बारे में क्या बोला पता है आपको? मैं आग नहीं लगा रहा हूँ पर ऐसे बोल रहा हूँ. ये बोल रहे थे कि इनकी पर्सनैलिटी ना चाबुक जैसी है. आपने मारा किसी को सेट पे? ऐसा क्यों बोला इन्होंने आपके बारे में? ये देखो
क्यों बोला? चाबुक मतलब शार्प है बहुत ही आप। शार्प तो लोग मतलब इंटेलिजेंट। पॉजिटिव चाबुक, नेगेटिव चाबुक नहीं। आपने पॉजिटिव नहीं पॉजिटिव बोला। पॉजिटिव नेगेटिव चाबुक कौन सा आता है? चाबुक तो चाबुक होता है, पड़ता है तो उतनी ही दर्द होती है, चाहे पॉजिटिव से मारा जाए चाहे नहीं। सो गुड टू यू। ऑफ कोर्स। आई बीन सो नाइस टू यू थ्रू आउट द फिल्म। मैंने इनको खाना भी लाती थी तो इनको शेयर करती थी घर से। ये एक्चुअली हम लोगों ने दिल्ली में जब शूट किया तो डेयर टू से चाबुक। बिल्कुल नहीं। क्या कर रहे हो यार गपे? मैं अच्छा चल रहा है पूरा साल भर से। मुझे रिकमेंड भी करती है बीच बीच में कई जगह। पर हमने एक्चुअली क्योंकि जब आपकी फिल्म इतनी हिट हो जाती है फिर जब जब जहाँ जहाँ आप प्रमोशन करने जाते हैं कुछ ना कुछ इंटरव्यू में कुछ बातें निकलती हैं तो लोगों को अच्छा भी लगता है सुनना। जैसे अब आपके बारे में भी पता चला एक बात, गजराज जी हर आधे घंटे में अपनी बीवी को फोन करके बताते हैं कि ये क्या कर रहे हैं क्या हो रहा है। तो आप उनसे प्यार ज्यादा करते कि वो आप पे भरोसा नहीं करती? मैं कहाँ हूँ क्या कर रहा हूँ हर थोड़ी थोड़ी देर के बाद अपनी वाइफ को ये बोलते थे। अच्छा जी। शूटिंग के बीच में मैं यही इनको छेड़ती थी कि क्या आपकी वाइफ को आप पे भरोसा नहीं है? नहीं भरोसा नहीं, मैंने मुझे मुझे मैं यूरोपियन फिल्म देखी थी कोई, तो उसमें ऐसा ही कुछ होता है कि पति पत्नी के बीच में सारे जो रिलेशनशिप हैं वो बड़े मैकेनिकल होते हैं, फिर एक दिन एक हादसा होता है जिसके अंदर वो दूर हो जाते हैं। शायद हस्बैंड या वाइफ में से एक जना जो है वो याददाश्त खो देता है और वो वेजिटेबल हो जाता है, और उसके बाद जो कहानी जिस तरह से मोड़ लेती है और उसके अंदर वो रियलाइज करता है कि मैंने कितना कुछ खोया। अच्छा। डेली बेसिस पे हम लोगों ने शेयर क्यों नहीं की चीजें, तो वो कहीं पे दिमाग में मेरे रहती है, अटकती है कि आप ये बहुत ही मामूली सी चीजें होती हैं कि भाई हमने जैसे नीना जी ने बताया कि बड़ी वैन मिली। हाँ। वो कितनी खूबसूरत वैन है। मैंने अभी पूछा वो वैन किसकी है तो बोले कंगना रनौत की है वो। अच्छा जी। तो अपने आप में एक बहुत खूबसूरत चीज है कि उसको अच्छे तरीके से डिजाइन किया हुआ अंदर से। तो क्योंकि आप अपनी वाइफ को बताएंगे मैंने उनको फोटो भेज दिया मैंने। हाँ। लेकिन क्योंकि वो मेरे साथ नहीं है यहाँ पर, मेरी जिंदगी में क्या हो रहा है वो उनको पता होना चाहिए। जिंदगी बहुत छोटी है। कितनी प्यारी बात आपने कही है सर, आई लव यू सर। शुक्रिया। मैं आपको कुछ और तो नहीं दे सकता, ये सर अंगूर है, जब भी आपका मन हो आप खा सकते हैं। ये भी आप अपनी वाइफ से शेयर करना। एक्चुअली छोटी छोटी चीजें होती हैं। जब कोई इंसान आपकी लाइफ में नहीं रहता, वो कोई भी रिलेशन हो, चाहे यार दोस्त हो आपका या भाई बहन हो, जैसे मेरी बहन मुझे हमेशा बोलती है, अभी आई थी मुंबई, तो बोलती है कि हम लोग कितना वक्त साथ में गुजारते थे, एक दूसरे से बोर भी हो जाते थे, लड़ाई झगड़ा करके सो जाना, अब हम ढूंढते हैं कि कब उसके बच्चों को छुट्टियां हो या कब मेरा जाना हो, तो लेकिन अब बहुत मिस करते हैं। पर वाकई बड़ी खूबसूरत चीज कही आपने। मम्मी जी हैं जी, वो सामने बैठी हैं जी, और कितने एपिसोड देख चुका हूं मैं, जब भी वो होती है उनके चेहरे पे यही स्माइल होती है। हाँ। कि मेरा मेरा लाल कितना अच्छा कर रहा है। लव यू मम्मी। तो ये जो आशीर्वाद है और वो और आप ये स्पेस दे रहे हैं उनको, ये नहीं मम्मी बताओ यहाँ पे छुट्टी चल रही मेरी, ऐसा नहीं, मेरे से पहले पहुंच जाती है। शुरुआत के सारे एपिसोड में थोड़ा सा सीधा ही बैठती थी आंटी जी। हाँ जी हाँ जी, मैं बहुत खुश कर रहा है, नहीं इंप्रोवाइज गलत नहीं कर दिया। अब थोड़ा सा रिलैक्स होकर बैठना शुरू हुआ। अभी तो मम्मी को इतनी आदत होगी ना, हमारा ना चल रहा हो जाके इंडियन आइडल में बैठ जाती है। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू। वाह मेरी माँ ने इंग्लिश बोली आज। अच्छा आप सब जानते हैं, आपने बहुत बार देखा होगा दीना जी, आपके बारे में कहा जाता है कि आप बहुत बिंदास है, बोल्ड है, जो होता है मन में बिल्कुल बोल देती हैं आप, परवाह नहीं करती। लेकिन जैसे मैं भी ऐसा करता हूँ, करता था जा कह लीजिए, तो एक दो पंगे हुए हैं इसके बाद। लेकिन आपको कभी इस जो आपका स्वभाव है इसकी वजह से आपको कभी कोई नुकसान हुआ है या फायदा हुआ है कुछ? नुकसान ही नुकसान हुआ है। अच्छा जी। फायदा बहुत कम हुआ है, पर अब मैं ऐसी हूँ, मैं चेंज तो अपने आप को कर नहीं सकती। एक्चुअली इंसान बदल तो सकता नहीं। हाँ, कोशिश थोड़ा सीख सकते हैं पर पूरा नहीं बदल सकते। एक बहुत बड़ा फायदा हुआ नीना। हाँ। तुमने एक ट्वीट डाली थी जो वर्ल्ड फेमस हो गई। हाँ। है कि इन्होंने सिंपल तीन लाइनें लिखी थी कि मैं एक एक्ट्रेस हूँ, मैं मुंबई में रहती हूँ और मैं अच्छा मुझे काम कर लेती अच्छा हूँ और मुझे काम चाहिए। और काफी लोग बोलने लगे ऐसे कैसे लिख सकती है। मैंने कहा दिस इज नीना, और जो गट्स एंड जो ऑनेस्टी के साथ तुमने वो ट्वीट किया है, दैट इज फैबुलस। थैंक यू थैंक यू। हाँ उसके बाद काम भी मिला, उसके बाद मुल्क मिला, उसके बाद फिर बधाई हो मिली, एक द लास्ट कलर मिली और अब और भी हैं। बस चलो सोशल मीडिया का कुछ तो फायदा हुआ अगर आप सही तरीके से यूज करो। अगर नहीं उसको दिन में ही यूज करना होता, रात में नहीं करना होता। एक्चुअली मैं तो इतना डर गया हूँ, मैं तो रात को भी यूज नहीं करता। पर अर्चना जी का मैंने देखा, अर्चना जी भी बहुत स्वीट है। ये मतलब ये है जैसे आप करती हैं ट्विटर वगैरह पे आपने लिख दिया, ये लिखती नहीं है,
ये ऐसी कोई गेम चलाती बंदे ही बदलवा देती। मैं हमारी फिल्म इंडस्ट्री का ना एक स्वभाव है, हर फिल्म के साथ लोगों का एक रिएक्शन बदल जाता है या कह लो कि आपके व्यवहार में बदलाव आ जाता है। नीना जी, गजराज जी, आप बधाई हो के बाद आपके साथ लोगों का जो व्यवहार था उसमें कोई बदलाव आया? हाँ, मेरी बहुत फैन फॉलोइंग बढ़ गई। और पर एक बात है, जैसे पहले लोग जिस तरह से मुझे कहते थे वेरी गुड एक्टिंग, जैसे मेरे टीवी के ज़माने में, मैम यू वंडरफुल एक्टिंग, वंडरफुल डायलॉग्स, अभी जब वो मुझे मिलते हैं ना, बहुत ज़्यादा अभी फैन फॉलोइंग। बधाई हो, देखिए बड़ी अच्छी थी। बधाई हो, मतलब ऐसी खुशी और इस तरह की थोड़ी सी वो एम्बेरसमेंट अबाउट द सब्जेक्ट ऑल्सो ना, ऐसे तो आप सब ऐसे मुझे करते हैं, विच इज़ सो नाइस। अच्छा गजराज जी, आपको जब फिल्म के बाद जब आपकी मिसेज ने फिल्म देखी तो उन्होंने कहा नहीं कि सारी कविताएं आप नीना जी को सुना है, मेरे लिए भी कोई रखो? नहीं, मैं उनको सुना चुका हूँ ना कविताएं पहले। अच्छा जी। आप सबने देखा ये फिल्म में कि गजराज जो है वो कविता सुनाते हैं, रोमांटिक कविता सुनाते हैं, उसके बाद जो ये जो मम्मी पापा हैं दोनों रोमांटिक हो जाते हैं। आजकल तो लव लेटर का ज़माना है, वो भी चला गया है। हालांकि अर्चना जी बड़ी लकी हैं, इन्होंने तो कबूतरों के हाथों चिट्ठियां भेजी। अच्छा, अच्छा जी, आपके लिए एक ना एक लेटर आया। अच्छा। आपके परम मीत का। ओहो। मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूँ। प्लीज सुनाइए। परम मीत का। प्रिय अर्चना, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और तुम्हारी अच्छी सेहत की कामना करता हूँ। अच्छा। तुम इतनी सेहतमंद हो जाओ कि एक कुर्सी पे आराम से समा नहीं पाओ। मैं तुम्हारे प्यार में अपना घर छोड़ सकता हूँ, अपना काम छोड़ सकता हूँ, अपना शहर छोड़ सकता हूँ, बस तुम मेरी कुर्सी छोड़ दो। तुम्हारा सिर्फ तुम्हारा परम मित्र नवजोत सिंह सिद्धू। अच्छा, देखो ये कुर्सी मैंने छोड़ी, नवजोत ने जो बोला ना ठीक है, मैंने छोड़ी एक सेकंड के लिए, वापस आ गई, अब नहीं जाऊंगी यहां से। अच्छा, जैसे फिल्म में गजराज जी कविताएं सुना के अपने प्यार का इजहार करते हैं, बहुत सारे तरीके होते हैं। कुछ लोग चिट्ठी लिख के बोलते हैं, कोई आजकल फोन भी कर देते हैं मोबाइल। तो मैं अपने दर्शकों से जानना चाहता हूं कि आप लोगों ने कभी अपनी मोहब्बत का इजहार किया हो अपनी पत्नी से? ये भाई साहब ने तो हाथ भी खड़ा कर दिया, भरे पड़े हैं ये। तो किस तरीके से किया, क्या अलग अलग तरीकों से किया? जी भाई साहब। एक्चुअली हम लोग, सर नमस्कार, कैसे हैं आप? नमस्कार। क्या नाम है सर आपका? जीशान। जीशान, आप अकेले हैं, साथ में कोई आया? वाइफ के साथ। कैसे हैं आप? नमस्कार जी। अच्छा, आपके दोनों तरफ लेडीज बैठी हुई थी तो मेरे को पता नहीं था, मैं कंफर्म करना चाहता था। कंफर्टेबल लग रहा है। जी जी। तो हम लोग कुछ कॉमन फ्रेंड्स के थ्रू मिले थे, बट शादी का कुछ सर्कमस्टेंसेस बन नहीं पाए। अच्छा जी। फैमिली इश्यूज भी थे, फिर मैं आउट ऑफ कंट्री चला गया, इंडिया में नहीं था, फिर सडनली इनका कुछ शादी भी फिक्स होने लगी। अच्छा। देन आई केम टू इंडिया एंड देन आई मतलब इनसे मिला मैं, फिर बाकी का शी विल टेल इट। एक्चुअली इन्होंने डिनर के लिए मुझे बुलाया था, तो हम जिस रेस्टोरेंट में गए तो जब डिशेस आई तो जब मैं स्पून से सर्व करने लगी तो स्पून में लिखा था विल यू मैरी मी। वाह, क्या बात है। आपको देख के लगा नहीं कि आपने इतने आप रोमांटिक होंगे आप, क्योंकि जितने प्यार से धीरे धीरे उन्होंने सुनाया ना, ये जब हुआ, स्वीट और बहुत अच्छे हस्बैंड। बहुत अच्छी बात है, आपने बड़े इनोवेटिव आइडिया रहा आपका। पर वैसे मतलब भाई साहब की पर्सनालिटी को देखकर लगता है शरीफ से बिल्कुल लगते हैं, ऐसा काम कभी किया नहीं होगा। कहना चाहते थे मैं जिंदगी भर तुम्हारा चम्मच बनके रहूंगा। खाना खाया फिर आपने कि नहीं उस दिन? उसी टाइम अच्छे से खाना खाया था, उसके बाद खाना बना रहा हूँ अब। अच्छा। तो कितने हो गए साल आपकी शादी को? इट्स 4 months only. अभी 4 महीने ही हुए हैं। अरे बहुत मुबारक हो आपको। नई नई शादी हुई आपकी। थैंक यू। चलिए, बहुत अच्छा लगा आप हमारे शो में आए, थैंक यू सो मच। शुक्रिया। और कोई हमारे दोस्त जो अपने कोई एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं? जी भाई साहब। नमस्कार कपिल जी। नमस्कार जी, कैसे हैं आप? मैम नमस्कार। अरे इधर भी नई नई शादी, वाह मुबारक हो। अरे वाह, बधाई हो। बधाई हो। आपकी शादी को कितने साल, क्या कितना टाइम हो गया? सर अभी दिसंबर, 13 दिसंबर। अच्छा, मुझे लगता है अभी करके ही आ ही रहे हैं। 13 दिसंबर को। हाँ। हमारी 12 को ही। 12 को। वाओ। हाँ। कहाँ घूमने घूमने गए कि नहीं? कहीं हनीमून पे? सर हो गए, हो आए मलेशिया, सिंगापुर। अच्छा। हाँ, सब जगह के बाद आराम से घूम फिर के अभी आए हैं शो में। हाँ। मैं कहा बीच में तो नहीं छोड़ के आए ना? सर दिल्ली से आए स्पेशल। अरे सो स्वीट ऑफ यू, थैंक यू। तो कैसे क्या हुआ फिर, कैसे हुआ सारा?
वैसे तो अरेंज हुई, हम साथ में काम करते थे 3 साल से। अच्छा तो जी। पिछले 1 साल से इन्होंने बहुत मेरा ध्यान रखा बहुत चीजों में, तो घर वालों को बहुत अच्छा लगा इनका नेचर। आप शुरू से मतलब लाइक करती थी इसलिए, प्यार करती थी इनको? नहीं था ऐसा कुछ, नहीं था ऐसा कुछ नहीं था, वो सर्कमस्टेंसेस ऐसे हो गए कि मुझे लगा कि इनको नीड है एक अच्छे पर्सन की जो इनकी हेल्प कर सके, और फिर हम दोनों एक साथ, हमारी जो लाइकिंग है वो एक जैसी थी, हमारी हर चीज एक जैसी, मतलब कि हर चीज लोगों की हेल्प करना जो हमारा मोटिव है हमेशा, वो हम दोनों एक जैसे थे, और फैमिलीज एक दूसरे को बहुत लाइक करते थे, तो हम अच्छे फ्रेंड्स तो बन ही चुके थे। हे नारी, आपको शत शत प्रणाम। मतलब ये भगवान ने इन्हीं को दिया है, कितनी केयरिंग होती है। आदमी अपना ध्यान इन रख पा रहा है और वो अपना रखने के साथ साथ इनका भी रख रही है, और फिर शादी भी कर लिया आपने। थैंक यू। तो अभी आप खुद ही इन्हीं का भी ध्यान रखती होंगी, क्योंकि जो पहले नहीं रखते थे। बहुत बहुत सर। क्या क्या ध्यान रखती हैं आपके, किस किस चीज का ध्यान रखती हैं? सर मेरे मुंह से गलती से भी कुछ निकल जाए तो वो फॉलो करती है, अनजाने में भी अगर मैं कुछ बोल दूं कि ये करना है ये नहीं करना, तो उसने उसको नोट कर लिया, मान जाती है। बिल्कुल। किस दिन गलती से मुंह से ऐसे सेनोरिटा बोल के देखो, फिर देखना आपका क्या हाल करेंगे। बोल चुके हैं ये, बोल चुके, वो भी बोल चुके हैं। मैं आपको एक बात बताऊं, बीइंग ए गाय, बीइंग ए मैन, अगर आदमी के मुंह से किसी और का नाम निकले, समझो कहीं ना कहीं वो मिला होता है उसको। मैं बोल रहा हूं आपको। नो नो नो। नो 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 क्या? प्रैक्टिकल। तो प्रपोज कैसे हुआ फिर, वो तो बात बीच में रह गई, तरीका क्या हुआ? प्रपोज तो मतलब नॉर्मल, ये हमेशा मुझसे कहती रहती है कंप्लेंट की, भैया प्यार की बात करो, मुझसे अपने दिल की बात करो, बोलते नहीं हो। तो मैं चाहता हूँ कि आज पूरे हिंदुस्तान के सामने मैं कुछ प्यार की बात इनको करूँ आपके सामने। तो स्वीट, करिए करिए, आपकी अपनी प्रॉपर्टी, हम क्या करें। जी जो आप कहना चाहें आइए स्टेज पे आ जाइए, नो प्रॉब्लम। अच्छा तो शादी आपकी हो गई, अरेंज मैरिज, प्रपोज तब कर ही नहीं पाए आप, शादी भी हो गई, अब कर दो, कोई बात नहीं, बेटर लेट देन नेवर, प्लीज। लीजिए अंगूर खिलाइए इनको, अंगूर खिलाओ इनको। रीटा, मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ, आसमान में जितने तारे हैं उससे भी ज्यादा। मेरे दिल से हमेशा एक ही आवाज निकलती है, आई लव यू रीटा, मेरी हर सांस में तुम हो। सो स्वीट। तुम्हारी खुशी के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ, कुछ भी। थैंक यू, आई लव यू। God bless you both. बहुत बहुत धन्यवाद आपका। So sweet of you. So sweet. Thank you, sir. Good luck to you. Yes, sir. Thank you, sir. Thank you so much for coming. Shukriya, ma'am. Thank you. All the best to you. और कोई हमारे दोस्त? जी भाई साहब। ओए ओए, 70s का प्रपोज आने वाला। हाँ जी। नमस्ते कपिल। नमस्ते जी, क्या हाल है सर? मस्त एकदम। हमारा किस्सा थोड़ा अलग है, अरेंज मैरिज हुई थी हमारी, तो अच्छा जी। मेरे घर वालों ने तो इनको देखा था, मैंने नहीं देखा था। अच्छा जी। तो जब मैं पहली बार गया इनको, तो सब बैठी थी, मेरी माँ से थोड़ी मजा गया, सुबह थी, बोली लड़की पहचानो, मैंने कभी देखा नहीं था इसको, मैं इसको देख के ही पहली नजर में लगा यही है लड़की। अच्छा। वाओ। सब लोग बोले तुमने इसको देखा होगा, बोले नहीं मैंने देखा नहीं है, लेकिन सबकी नजर ऊपर है, इसकी नजर नीचे है, तो यही लड़की है, यही मुझे पसंद है, बस। क्या बात है। तो बात बात नहीं की थी तभी आपने इनसे? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। अच्छा जी। कम से कम 1 महीना तक तो बात ही नहीं हुई, उस वक्त तो फोन वोन हुआ नहीं, कि हमारी शादी को 25 साल हो गए। अच्छा जी, 25 साल हो गए। कहाँ से आप सर? उल्लासनगर से सर। अभी तो बात होती होगी? हाँ हो तो होती रहती है और होती रहेगी हमेशा। बातचीत का नतीजा क्या निकला, मतलब बच्चे कितने आपके? दो है ना, एक ये छोटा। अच्छा जी, क्या हाल है जी? एक बेटा आपका और एक दुकान में है दूसरा। अच्छा जी। अच्छा, ऐसा होता ना जैसे हम लोग बोलते हैं कि 7वें जन्म में एक दूसरे को हमारा मिला, आप भी ऐसा सोचते हैं? नहीं नहीं, हमारा ऐसा कुछ नहीं। मैडम मैं ना दो बातें आपके मुंह से सुनना चाहता हूँ। भाई साहब बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है, साफ साफ बोल रहे हैं, प्यार भी आपसे करते हैं, घुमाने भी जाते हैं, लेकिन अगले जन्म बोलते नहीं चाहिए। आपको चाहिए अगले जन्म में सेम पति? हाँ, 7 जन्म तक।
अरे मार्केट में इतने नया ट्राई करो भाई। पर बस सो स्वीट ऑफ यू, आप बहुत प्यारे हैं दोनों। थैंक यू सो मच हमारे शो पे आने के लिए। अरे वाह, सो नाइस, बहुत अच्छा ना डांस किया आपने। कैसे मैम? हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बधाई हो आपको। मैं आपको एक चीज सिखाना चाहती हूँ। हाँ जी, हाँ जी, प्लीज। जो मैंने सीखा था जब मैं चोली के पीछे सॉन्ग करने गई थी। अरे प्लीज मैम। तो जैसे जो सब एक्ट्रेसेस करती है ना, ये मुझे नहीं आता था जी। तो मुझे कहा गया था वेरी सिंपल, जोर से सांस लो, छोड़ो। अच्छा, ऐसे रहता है। हाँ, तो करो। सर पिक्चर में आप टीसी थे ना? जी जी सपना जी। हाँ तो मेरे को आपको बोलने का था, जब आप टिकट चेक करते हैं ना, तो सिर्फ कंपार्टमेंट में नहीं करने का, बाथरूम में भी चेक करने का। उधर भी बहुत लोग छिपे रहते हैं। क्यों अर्चना जी? सपना तूने फिल्म देखी है? अरे पिक्चर देखी क्या, मेरी तो मतलब आंख ऐसी खुली रह गई। मेरे को तो मालूम ही नहीं था कि 40 साल की उम्र के बाद भी मतलब जिंदगी में कुछ हो सकता है। मैं सच्ची बताऊं सर, आप में और धोनी में ना एक चीज बहुत कॉमन है। क्या? रिटायरमेंट के टाइम पे वो भी कमाल का परफॉर्मेंस दे रहे लाए, और इन्होंने जो परफॉर्मेंस दिए लाए, जोरदार ताली हो जाए सर के लिए। नहीं मतलब मैं एक्टिंग की बात कर रही लिए, सर को फिल्म फेयर अवार्ड मिला है, जोरदार ताली इनके लिए। सर मैं आपके लिए कुछ गिफ्ट लाई लिए। अच्छा। ये गिफ्ट है सर। चिटकी लगेगी आपसे। ये बधाई और टू भी आएगी ना, तो उसके लिए बहुत जरूरत लगेगा। मेरा डायलॉग था ना पिक्चर में, चिटकनी ना लगेगी अब से। आपको पता है सर, हमारे नाला सुपारा के समाज में ना मतलब आपको लोग बहुत प्यार करते हैं। ऐसा क्यों? मतलब देखिए ना, मतलब अभी हनीमून के लिए लाखों रुपया खर्चा होता है। हाँ। शिमला जाओ, नैनीताल जाओ, इन्होंने वही काम एक कविता सुना के कर दिया। है ना? हाँ। अर्चने जी आपने बधाई हो देखे लाए क्या? Course, I loved it. You love it? मतलब अभी इनसे भी खुशखबरी आने वाली है। ये क्या बात कर रही है? अरे मेरे को सच्ची बोलती, मैं परमित जी को देखी थी। हाँ। वो स्टेशन के ऊपर शायरी की किताब खरीद रहे थे। अभी देखना आप घर पे जाएंगे ना। हाँ। तो आपको गजल जरूर सुनाएंगे। नीना जी, हाँ जी। आपको बताए, पहले लोग कहते थे सास भी कभी बहू थी। हाँ। अब आपको देख के लोग कहते हैं सास आज भी बहू है। सर आप ये शो देखते हैं ना, आप तो जानते मैम मैं सबसे एक एक करोड़ रुपया मांगती रहती इधर। तो आप लोग तो एक करोड़ रुपया लाए होंगे ना? ये क्यों लाएंगे भी? अरे इस उम्र में ये लल्ला ले आए तो एक करोड़ रुपया नहीं ला सकते। अच्छा सर मेरे को ना आप जरा हमारे नाला सुपारा में लगेंगे उधर। क्यों लगूंगा मैं? उधर ना हम लोगों ने ना ये सर मैं आपको दिखाती है, ये जिम खोले ला इनके नाम का, गजराज फिटनेस। 15 दिन में बनिए गजराज के जैसा। दिखा, दिखा। ये देखिए। मैम बहुत लोग आते हैं आपको मालूम है इधर, बोलते आयुष्मान खुराना जैसा सिक्स पैक नहीं चाहिए, 3 पैक कम भी चलेगा, लेकिन एनर्जी गजराज वाली चाहिए हम लोग। खैर मैम मेरा इधर पार्लर है, सपना ब्यूटी पार्लर। ये हम लोग अलग अलग टाइप का मसाज करते हैं। तो सर आप टीसी थे ना, तो आपके लिए हमारे पास आरएसी मसाज है। इसमें क्या है? आरएसी मसाज में क्या रहता है, हम एक ही बेड पे दो कस्टमर को लेटाते हैं। और फिर उन दोनों का थोड़ा थोड़ा मसाज करके छोड़ देते हैं। मतलब कस्टमर को कंफर्मेशन नहीं मिलता कि किसका मसाज कितना होला है। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। मैम हमारा वो मसाज बहुत अच्छा है, पांव भारी मसाज। पांव भारी मसाज, पांव भारी मसाज। इसमें क्या है? उसमें क्या करते हैं, हम कस्टमर को पैर पे तेल नहीं लगाते, फिर? हम उसको शहद लगाते हैं, फिर बहुत सारी मधुमक्खियां छोड़ते हैं, वो काटती है, उनका पांव भारी हो जाता है। सर आप तो डिजिटल वर्ल्ड में भी सुपरस्टार हैं, आपके बहुत वीडियो वायरल होते हैं, तो खास आपके लिए वायरल मसाज। अच्छा। इसमें क्या होगा? उसमें क्या करते हैं, हम कस्टमर को तेल लगाते हैं और उसका वीडियो निकाल के वायरल कर देते हैं। ओ माय गॉड कप्पू मेरे को जाने का था। हाँ। वो पतीले में मैंने उबालने को रखा है, मैं भूल गई। क्या दूध? नहीं कस्टमर को।
हाँ मैम, उसको बॉयल मसाज चाहिए था इसीलिए. अरे उसका मैं देखती है जरा. अब वक्त है फिल्म बधाई हो के डायरेक्टर उनको यहाँ पे मंच पे बुलाने का. आप सबकी जोरदार तालियों के बीच बुलाना चाहूंगा. प्लीज वेलकम मिस्टर अमित रविंद्रनाथ शर्मा. भाई तालियां हो जाएं. अमित सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है. आप प्लीज यहाँ पे विराजमान हो जाइए. थैंक यू सो मच. जोरदार तालियां इतनी सुपर डुपर हिट फिल्म देने के लिए. बहुत बहुत बधाई हो अमित आपको. थैंक यू सर. अमित आजकल का मॉडर्न युग जो है जहाँ लोग लिव इन रिलेशनशिप के ऊपर फिल्में बना रहे हैं, आपने इतना मजेदार कॉन्सेप्ट, ये कैसे आया आपके दिमाग में कि ये फिल्म बनाई जाए? ये कॉन्सेप्ट एक्चुअली अक्षत को आया था. अक्षत जो मेरे राइटर हैं, तो अक्षत के फैमिली में ये चीज़ हुई थी. अच्छा जी. जब अक्षत की मदर 18 साल की थी तब उनकी छोटी बहन हुई थी. अच्छा जी. तो जब ये कॉन्सेप्ट सुनाया तो मुझे भी याद आया कि ये मेरे घर में भी हुआ है. अच्छा जी. तो मेरी दादी और मेरी दादी की मदर सेम टाइम पे प्रेग्नेंट थी. अच्छा जी. उस टाइम पे जी मेरे फादर आए हुए हैं यहाँ पे. नमस्कार सर. और ये अभी भी होता है जी. ये इनफैक्ट मैं जब सानिया को नरेट कर रहा था कहानी, तो उनके साथ में एक उनको अकंपनी कर रही थी उस मीटिंग में, तो पूरी नरेशन में हर एक्सप्रेशन वॉज दिस. तो मेरे को लग रहा था कि यार इसको पसंद नहीं आ रही है, क्या हो क्या रहा है. सो आफ्टर द नरेशन मैंने उसको पूछा, मैंने कहा सब ठीक है? शी सेड हाँ. अच्छा नहीं लगा? कहती दिस इज माई स्टोरी. शी वॉज 26 व्हेन आवर लिटिल ब्रदर वॉज बॉर्न. सो एक तो ये अभी भी होता है. ओके okay. अमित डायरेक्टर तो आप बहुत अच्छे हैं ही. आपने इतनी अच्छी फिल्म बना के आपने सबको साबित कर दिया. लेकिन और मतलब और क्या क्या करते हैं आप? मैं एड फिल्म्स बनाता हूँ. अच्छा. वहाँ से दौर शुरू हुआ था. तो बनना मैं एक्टर चाहता था बचपन में. 11वीं क्लास में था. मेरी मदर ने मेरे से एक दिन सवाल किया फ़ोन पे. उन्होंने मेरे से फ़ोन पे पूछा अच्छा सुन मॉडलिंग करेगा? मैंने कहा हाँ मैं हीरो बनूंगा. तो वहाँ से शुरू हुआ. और दादा प्रदीप सरकार उनके साथ काम किया 6 साल. और वो कब डायरेक्शन में घुस गया कुछ समझ में नहीं आया. सो यहाँ पर बधाई हो गई उसके बाद में. क्या बात. नीना मैं आप दोनों से पूछना चाहता हूँ, गजराज जी आपसे भी. बहुत सारे लोग आपको रोल मॉडल मानते होंगे कि मुझे आपके जैसा बनना है, आपके जैसा बनना है. आपके रोल मॉडल कौन है इंडस्ट्री में? मैं ही हूँ. वेरी गुड, वेरी ऑनेस्ट आंसर. सर आप? बहुत सारे अलग अलग लोग हैं. उत्पल दत्त साहब मुझे बहुत पसंद है. अच्छा जी. हमेशा से उनका उनकी जो बंगला और हिंदी फिल्में मुझे बहुत इंस्पायर करती हैं. बच्चन साहब हैं जी. उम्र के इस पड़ाव में वो हमसे ज्यादा काम कर रहे हैं, एनर्जी के साथ काम करते हैं जी. तो वो बड़ा इंस्पायरिंग है उस तरह की चीज. अच्छा बात खत्म हो गई. ओके. आप इंस्पायरिंग है मतलब. मैं पहले मुझे ये शो में आने से पहले लगता था कि ये चिट मिलती होंगी कानों में सारे जोक्स. लेकिन अभी मैं एक्सपीरियंस कर रहा हूँ कि तेनालीराम वगैरह ऐसे होते होंगे. इतनी हाजिर जवाबी इस तरह से कि एक बात की बात को पकड़ के जिस तरह से आप निकाल रहे हैं और पूरे हम 1.5-2 घंटे से जिस तरह कर रहे हैं. और मतलब ईश्वर करे कि आपकी बुद्धि बनी रहे आपकी ताकि जो लाखों करोड़ों लोगों का जो मनोरंजन होता है, क्योंकि बड़ा किसी के चेहरे पे स्माइल ला पाना, मुस्कुराहट ला पाना, हंसी दे पाना बहुत ही मुश्किल काम है. और आप उसको हंसते हंसते करते हैं. आप और आपकी टीम. आशीर्वाद बना रहे सर. शुक्रिया. अच्छा आपने गजराज जी को बहुत सारी एड फिल्म्स में भी देखा होगा. अमित सर ने बहुत सारी एड फिल्म्स बनाई हैं. एड फिल्म वालों का एक बड़ी मजेदार चीज होती है, वो किसी भी चीज को ना इमोशंस के साथ ऐसा जोड़ देते हैं कि बंदा मजबूर हो जाए चीज खरीदने पे. जैसे पहली बार मैंने रेजर खरीदा तो मुझे लगा था कि शायद ये मॉडल भी साथ में आएंगी कहीं ना कहीं आपको. मैं सर आपको एक प्रोडक्ट देता हूँ. मेरे पास एक लैपटॉप है. एक्टर्स आपके पास बहुत बेहतरीन बाकमाल हैं. डायरेक्टर आप बहुत बाकमाल हैं. प्रोडक्ट मैंने आपको दे दिया. अपना टैलेंट दिखाइए कि इसको इसको कैसे, इसकी एड कैसे बनानी है. काफी मुश्किल काम होता है ये एक्चुअली. तो उसके लिए मुझे मेरे एक्टर्स की जरूरत है कि हम लोग एक स्क्रिप्ट तैयार कर लें. जी जी प्लीज कर लो सर. मैं तुम्हारी गोद सुनी नहीं देख सकता.
पर मेरी गोद सुनी कहाँ है? हमारे तीन तीन बच्चे हैं, बाहर पढ़ने गए हुए। तुम्हें सुनेपन का एहसास तो होता होगा ना? क्या फिर से? शर्म नहीं आती तुम्हें? नहीं, मैं अपना अकाउंट खाली देख सकता हूँ, अपनी जेब खाली देख सकता हूँ, कढ़ाई खाली देख सकता हूँ, तुम्हारी गोद में खाली नहीं देख सकता। इसलिए मैं एक बेबी लैपटॉप लाया हूँ तुम्हारे लिए। कितना स्वीट है, थैंक यू सो मच, थैंक यू। अब ये तो मुझे छोड़ के बाहर भी नहीं जाएगा पढ़ने, इसका डायपर भी नहीं चेंज करना पड़ेगा। हाँ, इसे दूध भी नहीं पिलाना पड़ेगा, खाना भी नहीं खिलाना पड़ेगा, प्लग में लगाना पड़ेगा। थैंक यू सो मच। ये लैपटॉप नहीं है, ये ममता का एहसास है। मदर्स डे पर स्पेशल डिस्काउंट के साथ बेबी लैपटॉप। वाओ, थैंक यू गुजरात सर, थैंक यू नीना मैम। कितना खुशी हो रहा है यार आप लोग को यहाँ पे, आप बता नहीं सकते, इतना ज्यादा खुशी हो रहा है ना कि खुशी से हमारा पेट फूल गया। देखिए, यू नो व्हाट आई मीन। वैसे आप लोग आए, बधाईयों का लल्ला नहीं आए? बच्चा ये डायलॉग शत्रु जी बोलते हैं। नहीं, वो तो बोलता ही, इन्होंने करके दिखाया है यार। बधाइयों में इनका लल्ला हुआ के लल्ला हुआ ना? लल्ली 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 हुई, लल्ली हुई यार, कांग्रेचुलेशन। थैंक यू। वैसे लेकिन मानना पड़ेगा सर, नहीं मतलब नीना जी, मतलब जिस उम्र में लोगों के बच्चों के अपनी शादी की तैयारियां करते हैं, मतलब जिनके हाथ पीला करने की तैयारियां करते हैं, उस उम्र में आपके बच्चे डायपर पीला कर रहे हैं। गजराज राव जी, हमको आपका नाम बड़ा पसंद है यार, गज राज, गज मतलब हाथी। आप ऐसे हमें क्या देख रहे हैं? अनिवेज, लेकिन सर गज मतलब हाथी, मतलब एक हाथी जो होता है उत्पात मचाता है सर। अरे सर, एक हाथी जो होता है वो उत्पात मचाता है। और फिल्म में हम देखे आपने भी मचा दिया। बच्चा कैसी बातें कर रहा, नीना जी क्या सोचेंगी? अरे अच्छा ही सोचेंगी यार, क्योंकि नीना जी हम तो फैन है, आपने ना हिंदी फिल्म का पूरा ट्रेंड बदल दिया है, सच में अर्चना जी, है कि नहीं? कि हिंदी फिल्म की जो हीरोइन मतलब मदर्स होती हैं, माएं होती हैं नॉर्मली, वो काफी दुखी रहती हैं, रोती रहती हैं, बच्चों को हमेशा कहती हैं कि देखो यार तुम्हारे पिताजी अभी दुनिया में नहीं रहे, या अपने बेटे से कहती है यार तुम्हारी बहन को गुंडे उठा के ले गए, या फिर अपने कहती है बेटे से कि यार देखो लाला आया तो मेरे कंगन लेके चला गया। सारी दुख वाली बातें, लेकिन आप पहली मदर हैं जिसने खुशखबरी दी है। आई माइंड ब्लोइंग। वैसे कपूर शर्मा जी, एक बात समझ में नहीं आया, लेकिन मतलब बधाइयों की टीम से आधी बधाई आई, बाकी की बधाई? बाकी अपने काम वाम में सब बिजी होंगे ना, कर रहे हैं। आप कह रहे हो खाली बैठे हैं? हर एक का अपना अपना शेड्यूल है। नहीं नहीं, उनको कहिए यार अपना काम धाम छोड़ के आके यहाँ पे इन्हें बिजी करें, कहीं ये ज्यादा फ्री हो गए तो बधाइयों टू बनाना पड़ जाए। देख लो, एक तरफ बधाई हो और दूसरी तरफ देखो ऐसा लग रहा है बाधा आई हो। टू गुड ब्रो, टू गुड, टू गुड, टू गुड। क्या टॉन्ट मारा है यार, क्या टॉन्ट मारा है यार कपूर शर्मा, दिल खुश कर दिया आज आपने। सर आपका अगला अगला कोई फिल्म बनाएंगे ना आप, उसमें कोई ऐसे चिड़चिड़ी सास का रोल होएगा ना? लेकिन सर हमने आपका फिल्म देखा, टीटी बने ना आप लोग फिल्म में? आप लोग नहीं, लोग, मैं अकेला बना था, ये घर पे थी। नहीं नहीं, हमने देखा यार, आप ट्रेन में पैसेंजर को बर्थ देते हैं, ये हॉस्पिटल में बच्चे को बर्थ देते हैं, बर्थ तो दोनों देते हैं। बहुत सही। तो वो बर्थ और ये वाले बर्थ में फर्क होता ना? कपूर शर्मा, अब आप व्यर्थ की बातें कर रहे हैं। व्यर्थ, बर्थ, बर्थ, यू नो हाउ प्ले विद वर्ड्स यार, ए टैलेंट है सर इन बॉर्न, थैंक यू वेरी मच। वैसे सर हम भी आपसे काफी इंस्पायर्ड हैं, मतलब उस क्षेत्र में नहीं, अलग मतलब राइटिंग में, आप सर कविता लिखते हैं ना, हमने भी लिखना शुरू किया है। आप कहें तो एक सुना दें? जरूर जरूर। इरशाद, इरशाद। काली घटा पानी पे छप
खाली घटा पानी पे छप छप अंधेरी रात वो और हम आगे खत्म। कितना बढ़िया जा बच्चा राइम तो बना नहीं। राइम बने ना बने लेकिन मूड तो बन जाता है यार। बच्चा तू यहाँ यही सब करने आया? नहीं हम यहाँ पर थानोस को मारने आए हैं। किसको? थानोस। एनीवेज यार हम यहाँ पर आए हैं क्योंकि इतना खुशी का माहौल है। एक प्यारी सी नन्नी सी जान आई है आपके लाइफ में तो हम सोचे आपको बधाई दे देते हैं। मुझे लगा प्यारी सी मुझे बोलने वाले तो जान बोल गया। अरे नहीं नहीं लेकिन उसके लिए बधाई हम लेकर आए हैं। देखिए क्या है कि आई एम रियली सॉरी हम पहुंच नहीं पाए जब बेबी दुनिया में आई तो ये 1001 रुपए का शगुन है। अच्छा। आप नाम मत कहिएगा प्लीज सर प्लीज नीना जी प्लीज थैंक खाली होगा सो स्वीट ऑफ यू। थैंक यू मैम। अपनी जगह ठीक है सर लेकिन क्या है कि हमारी जिंदगी में भी हमारी लाइफ में हमारे 11 लल्ला आए आप भी नहीं पहुंच पाए थे। हाँ, सही बात है। तो 1001 मल्टीप्लाइड बाय 11 11,011 रुपए निकाल लिए तब हम यहाँ से निकलेंगे। तू बच्चों के नाम पे पैसे कमाएगा अब तू? एक बच्चा पैदा करके यहाँ 200 करोड़ कमा रहे हैं। हमारा 11,011 रुपए का भी हक नहीं है क्या? लेकिन चल आपने बहुत खुशी बांटा है सर तो हम भी थोड़ी सी खुशी बांटना चाहेंगे। जॉक्स जॉक्स सुना देते हैं। तो जॉक्स पेश करते हैं। हर देश का पीएम कब बदलता है? कब? रात को 12 बजे जब एएम हो जाता है। क्या इलेक्शन ओरिएंटेड जोक मारा है? एक और सर अभी हम आपसे एक सवाल पूछ रहे हैं अगर उसका आपने गलत जवाब दिया तो आपको हमें पार्टी देना होगा ठीक है? ओके सवाल है कि रॉन्ग को हिंदी में क्या कहते हैं? गलत पार्टी। इन्होंने गलत जवाब दिया। ले लीजिए यार पार्टी हमारा पक्का हो गया। चलिए बड़ा मजा आया सर बड़ा मजा आया आपके साथ। ओके नीना जी ऑलराइट बच्चा के लिए एक बार जोरदार तालियां। बहुत शुक्रिया। ऑलराइट और एक बार नीना जी गजराज जी और अमित जी के लिए जोरदार तालियां। गजराज जी नीना जी अमित जी थैंक यू सो मच। आप ऐसे ही अच्छी अच्छी फिल्में बनाते रहें और इसी बहाने हमारे शो पे आते रहें। बहुत मजा आया आप सबसे मिलके। थैंक यू सो मच वंस अगेन। थैंक यू सर बहुत बहुत थैंक यू। थैंक यू। अब आज की शाम में इंडी पॉप का तड़का लगाते हैं और बुलाते हैं पटोला लग दी लाहौर दिया इशारे तेरे कंगने ने सूट सूट कर दा जैसे बहुत सारे सुपर डुपर हिट सॉन्ग्स देने वाले सॉन्ग राइटर म्यूजिक डायरेक्टर सिंगर हाई रेटेड गबरू प्लीज वेलकम गुरु रंधावा। गुरु आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू भाई। मजा आ गया। आप सब इस सॉन्ग को इतना एंजॉय कर रहे हैं स्लोली अरे गाने का नाम ही स्लोली है लेकिन 5-6 दिन में ऑलमोस्ट 100 मिलियन होने वाले इनके। पहले तो इस बात के लिए जोरदार तालियां हो जाएं। गुरु आप इतने हैंडसम लग रहे हैं भी आप मतलब वीडियो में इतने हैंडसम लग रहे हैं और साथ में इंटरनेशनल स्टार पिटबुल भी आपके साथ दिखाई दे रहे हैं और बहुत सारी लड़कियां भी हैं तो पिटबुल आपकी वजह से आए थे कि लड़कियों की वजह से आए थे? पहले तो आई थिंक हमें सबको हिंदुस्तानियों को पिटबुल सर का थैंक यू करना चाहिए कि हमारी वीडियो में आके एक देसी म्यूजिशियन को इंटरनेशनल लेवल पे रिप्रेजेंट करा उन्होंने हमारे साथ। एक बार क्लैपिंग कर दो पिटबुल सर के लिए। गुरु ये जो मैं अभी ये भाई साहब नहीं जो बैठे हाँ जी पतले से इनका सवाल था बोलते थे कि जैसे गुरु का ये वीडियो है हाँ जी कितनी सारी लड़कियां नाच रही ये कहाँ शूट कहाँ हुआ कहते ये मायामी में शूट हुआ है। मायामी में हाँ जी। अच्छा जब मायामी में शूट होता है जैसे हम लोग शूट करते हैं तो ऐसे आर्टिस्ट को बुलाते हैं हम लोग कि आओ पहले रिहर्स करते हैं मायामी में तो वैसे ही वो जो बीच पे ऐसे तो वहां पे मतलब ऐसे होती है कास्टिंग होती है कि अच्छा फलाने आर्टिस्ट को लेंगे हम अपने वीडियो में कि उधर तो
लाइन ही लगी होती है। अब इंडिया में देखो जब शूट रहता है सबने एक जैसे कपड़े पहने होते हैं, मतलब कि प्रोसेस लगा है शूट के लिए, प्रोसेस लगा है, लड़कियां चूज हुई हैं, फिर उनके कपड़े बने हैं। हमारी वीडियो में तो सब जो घर से पहन गई थी उसी में खड़ी हो गई सब। और वो भी बहुत उनको फर्क नहीं पड़ता, उन्हें शायद मेकअप भी वो घर वाले करके आई थी, वही खर्चा बचाया हमने और सब खूबसूरत लग रही है। आई थिंक इंडिया हमसे ज्यादा उनको देख रहा है। अरे आपने पिटबुल को पंजाबी सिखाई कि नहीं? मैंने उनको पंजाबी तो नहीं, उन्होंने मुझे स्पेनिश सिखा दी। अच्छा, वो करने नहीं आते ना 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 यार का या। वो गाने में जो ड्रॉप आता है क्या वैसे उसका मतलब मुझे कुछ नहीं पता। कुछ नहीं पता। मैंने तो उनको बोला कि सर ये लिरिक्स भिजवा दो। अच्छा। वो नीचे हिंदुस्तानी पढ़ तो लेंगे ही, अगर ना भी समझ आया मुझे खुद नहीं पता चला, बट उन्होंने मेरे को नमस्ते कैसे करते हैं वो मेरे से सीखा। अच्छा। सत श्री अकाल सीखा। अच्छा। धन्यवाद सीखा। अच्छा। और मेरे उनसे ये सीखा कि नो प्रॉब्लम्स ओनली सॉल्यूशंस। अच्छा, वाओ। उन्होंने मुझे ये सिखाया और पॉजिटिविटी सिखाई। पर एक बात है, वक्त मेरे भाई का चल रहा है, कल इंटरनेशनल स्टार पिटबुल के साथ है, आज कपिल शर्मा के। मैं पाजी आपको एक बात बताता हूँ, मेरे जैसे अभी पिटबुल सर का हमारे गांव की तरफ जैसे अभी वो नाम, एक तो उनका गाना है प्रियंका चोपड़ा के साथ और अभी मेरे साथ गाना आया, तो कई उनको बोल रहे इनका नाम क्या पिंडफुल है, पिंडफुल पिंडफुल, मतलब गांव वाले अपने पिंड के साथ जोड़ के पिंडफुल कर दिया। हाँ, पिंड का फुल है कह रहे। तो मैंने कहा नहीं, इनका नाम पिटबुल है, तो मेरा पेटबॉल। ऐसा होता है, भोले लोग होते हैं ना, उनकी बातें भी, उनके क्वेश्चंस भी भोले होते हैं। जैसे हम लोग पहली पहली बार कोई रियलिटी शो विन करके गए थे, ये नहीं पूछा कि वहां पे कैसे हुआ, कैसे जीते, मेरे को पूछते फ्लाइट में खाना मिलता है। मेरे ये क्या बात हुई। मैंने जब पहली बार शूट करा वीडियो तो मेरे को, मैं गाँव वापिस गया तो कुछ नहीं पूछा कि मतलब गाना कैसा है, क्या होता है। कह रहे वो जो लड़की को टच करते हैं असली में करते हैं, कैमरा करवाता है। भोले लोग हैं। अच्छा, लोग भोले लेकिन सोच देखो उनकी कहाँ जाती है। उस मामले में कोई भोला नहीं होता, वो सब ट्रेंड ही आते हैं। अच्छा, आपको पता है मैं, गुरु इतना अच्छा गाते हैं लेकिन गुरु ने आज तक कभी किसी से सीखा नहीं है, मतलब फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं ली है और बचपन से गा रहे हैं। अच्छा, आपका कोई गुरु नहीं इस चक्कर में तो नहीं, आपने अपना खुद का नाम गुरु रख लिया कि मैं ही मेरा गुरु हूँ। कुछ दिन पहले ना हमारे यहाँ पे अमित कुमार जी आए थे, किशोर कुमार साहब के बेटे, लेजेंड किशोर कुमार साहब, एक बार जोरदार तालियां बजाएं उनके लिए। वाह। तो वो भी यही बोल रहे थे कि यार किशोर साहब ने भी कभी किसी से सीखा नहीं था, तो जिसको ऊपर वाला दे मुझे लगता नहीं कि उसको कोई सिखा सकता है। सो आप में गॉड गिफ्ट है, आप ये टैलेंट जो है। गुरु, मैं आपसे बातें करके तो मजा आ ही रहा है लेकिन लोग ना मुझे घूर भी रहे हैं साथ साथ। तो वो कुछ चाहते हैं, आप समझ ही गए कि आपसे क्या चाहते हैं। स्टेज इज योर्स ब्रो। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.